जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बजरंगबली हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नवनिधि का दाता कहा जाता है और बहुत से स्थानों पर हनुमान जी के पंचमुखी रूप का पूजन किया जाता है। परंतु हनुमान जी के पंचरूपी रूप धारण करने की कथा के विषय में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। रामायण के एक प्रसंग के अनुसार श्री राम रावण युद्ध के समय रावण को अपनी सहायता के लिए अपने भाई अहिरावण की आवश्यकता पड़ी। अहिरावण तंत्र मंत्र का प्रकांड पंडित और माँ भवानी का अनन्य व्यक्ति था। वह अपने भाई रावण के सहायता के लिए प्रस्तुत हुआ और रावण को सुझाव दिया कि मैं श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लूंगा तो स्वयं युद्ध ही समाप्त हो जाएगा। अहिरावण अपनी माया से सुग्रीव का भेष बनाकर राम और लक्ष्मण के विश्राम घर पर पहुंचा और श्री राम और लक्ष्मण जी सो रहे थे। अहिरावण सोने की अवस्था में ही श्री राम जी और लक्ष्मण जी को पाताल लोक बलि चढ़ाने के लिए ले आया। शिविर में जब राम जी और लक्ष्मण जी नहीं मिले तो हनुमान जी ने उनकी खोज करते हुए पाताल लोक तक पहुंच गए। द्वार पर रक्षक के रूप में मकर ध्वज से युद्ध करके उसको हराया। जब वह पातालपुरी के महल में पहुंचे तो श्री राम और लक्ष्मण जी बंधक की अवस्था में थे। वहां पंच दिशाओं में 5 दीपक चल रहे थे और माँ भवानी के सम्मुख श्री राम और लक्ष्मण की बलि देने की तैयारी पूरी हो चुकी थी। तभी आकाशवाणी हुई कि अहिरावण का अंत करना है तो इन 5 दीपकों को एक साथ एक समय पर बुझाना होगा। यह रहस्य ज्ञात होते ही हनुमान जी ने पंचरूपी हनुमान का रूप धारण कर लिया। उत्तर दिशा में वराहमुख, दक्षिण में नरसिंहमुख, पश्चिम में गरुड़मुख, आकाश की ओर हयग्रीवमुख एवं पूर्व दिशा में हनुमानमुख, इन 5 मुखों से एक साथ उन्होंने 5 दीपकों को बुझाया और श्री राम जी और लक्ष्मण जी को वहां से मुक्त कराया। जय जय श्री राम।